पंच कुटी दाल के अपम बनाने हैं। उसमें पांच दाल लेनी है, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, मुगर दाल और तुवे दाल। तो पांचों एक सर के भाग से लेनी है। दाने को अभी पानी से धो के भिगोनी है, तीन चार घंटे इसको भिगो लेंगे। ये भिगोई दाल को तीन घंटा पानी में भिगोया, फिर अभी उसमें एक गर्म किया हुआ दही डाल के उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और पाँच छः घंटा रहने लेंगे। ये लोट का आटा हो गया है, पाँच छः घंटा भिगोया था वो हो गए। अभी इसमें दूधी हम छिली हुई दूधी डालते हैं, क्रश किए हुए बटाना डालते हैं, क्रश की मकई डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं, वो भी उसको ग्राइंड करके रख दिया है। अभी ये शिमला मिर्ची है वो भी बारीक कटा हुआ है, वो भी डालना है उसके अंदर। फिर यहाँ बघार के लिए तेल रखते हैं बनकर। अभी ये तेल के अंदर उड़द की दाल, राई, जीरा और तिल डालेंगे। बघार हो गए, इसमें कड़ी पत्ता डाल के बघार को इसमें डाल देंगे आप लोग। इसमें नमक बंद कर, अभी इसको मगा डाल के बराबर हिला देने का है। हाँ, अभी ये थोड़े थोड़े ये डालेंगे मिश्रण को। इसको अभी हम डाल देंगे पाँच मिनट के बाद, पाँच मिनट के लिए बस। अभी उसको उल्टा करते हैं, बंद कर। ये हो गए अपने अप्पम रेडी। सारी पुदीना की चटनी हम साथ में खा सकते हैं।